हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप पोको M2 प्रो के यूज़र हैं तो फ्रेंड्स आज आपके लिए यहां पे बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपके पोको M2 प्रो में आपको अभी तक एंड्रॉयड 11 और ना ही MIUI के 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिला था। तो फ्रेंड्स, आज यहां पे हमारे पास पोको M2 प्रो के लिए ऑफिशियली MIUI का 12.0.1.0 का एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट 2.3 GB के साइज में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और फ्रेंड्स, इस वाले अपडेट में हमें ऑफिशियली अगस्त 2021 का सिक्योरिटी पैच भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपके अभी पोको M2 प्रो में आपके पास MIUI का 12.0.4.0 का QJPINXM का इंडिया स्टेबल अपडेट चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको यहां पे अब MIUI का 12.0.1.0 देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हमारे पास एक एंड्रॉयड का अपग्रेड आता है तो हमारा उसमें MIUI का वर्जन बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपका यहां पे क्यू की जगह आपको आर शो होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला अपडेट हमें एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 पर भी देखने के लिए मिल गया है। तो फ्रेंड्स, अब हमें पोको M2 प्रो के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, पोको M2 प्रो के लिए MIUI का 12.0.1.0 का RJPINXM इंडिया स्टेबल अपडेट 2.3 GB के साइज में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए ये वाला जो अपडेट है MIUI का 12.0.1.0 का, ये अपडेट अभी के लिए केवल हमें MI पायलट यूजर्स के लिए ही देखने के लिए मिला है, जो कि ठीक ठाक सी बात है। तो फ्रेंड्स, अब ये सेम अपडेट हमें पब्लिक में भी बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से ऑफिशियली न्यू फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें पोको M2 प्रो के MIUI के 12.0.1.0 और एंड्रॉयड 11 के साथ कौन कौन से ऑफिशियली न्यू फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका पोको M2 प्रो है, आपको उसमें कंट्रोल सेंटर में ऑफिशियली ब्लर का ऑप्शन वापस से दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पोको M2 प्रो में MIUI के 12.0.4.0 के कंट्रोल सेंटर में ऑफिशियली ब्लर का ऑप्शन नहीं था, तो फ्रेंड्स वो आपको एंड्रॉयड 11 में वापस से देखने के लिए मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि हमें सेटिंग्स में पोको M2 प्रो के एंड्रॉयड 11 की क्या क्या चेंज लॉग देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें सिम कार्ड्स में जाने पे आपको यहाँ पे वही सेम UI देखने के लिए मिलता है, आपका यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे कनेक्शन एंड शेयरिंग तक आपको यहाँ पे वही सेम UI देखने के लिए मिलता है, आपका यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि हमें इसमें चेंज किया क्या क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप जब इसमें पोको M2 प्रो के MIUI के 12.0.1.0 एंड्रॉयड 11 में डिस्प्ले में जाते हैं, तो आपको इसमें डार्क मोड 3.0 तो देखने के लिए मिलता ही है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पहले नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता था, तो फ्रेंड्स अब उस ऑप्शन को यहाँ से हटा दिया गया है। और फ्रेंड्स, वो ऑप्शन हमें यहाँ पे बार सेटिंग्स में ला दिया गया है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के नाम से। तो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल में आपको इस तरीके से आपको इसमें न्यू UI देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जब इसमें ओल्ड वर्जन पर सेलेक्ट करते हैं तो आपका इसमें MIUI 11 का कंट्रोल सेंटर, यानी कि आपका इसमें ओल्ड कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाता है। और फ्रेंड्स, आप जब इसमें अपने न्यू वर्जन पर सेलेक्ट करते हैं तो आपका इसमें MIUI के 12 का, यानी कि आपका इसमें ये वाला न्यू कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाता है। और इस वाले कंट्रोल सेंटर में आपको ऑफिशियली ब्लर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे स्मार्ट होम में एंड्रॉयड आर ईस्टर एग का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप उस ऑप्शन को बिल्कुल भी ऑन मत करना, क्योंकि फ्रेंड्स आप जब भी स्मार्ट होम से एंड्रॉयड आर ईस्टर एग के ऑप्शन को ऑन करोगे तो आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो कम्प्लीटली लैग और हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली अपने मोबाइल को एक बार रीबूट करना पड़ेगा, और फिर आपको सिंपली अपने मोबाइल के कंट्रोल सेंटर को विदाउट ओपनिंग आपको सेटिंग्स में नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में आकर के यहाँ से स्मार्ट होम से
नन पे आपको टैप कर देना है, फिर आपका कंट्रोल सेंटर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टेटस बार में भी वही सेम यूआई है, आपका यहाँ पर भी कुछ भी चेंज नहीं किया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स हमें पोको M2 Pro के MIUI के 12.0.1.0 और Android 11 के इंडिया स्टेबल अपडेट में हमें यही सारे चेंज लॉग्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है एक पोको M2 Pro इंडिया यूज़र के लिए। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि हमें पोको M2 Pro में ये सारे ऑफिशियली न्यू फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं MIUI के 12.0.1.0 और Android 11 के इंडिया स्टेबल अपडेट में। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि हमें पोको M2 Pro में MIUI का 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए पोको M2 Pro के लिए MIUI के 12.5 से रिलेटेड केवल हमारे पास यही न्यूज़ थी कि हमें पोको M2 Pro में MIUI 12.5 बेस्ड Android 11 हमें इसी महीने में 100% देखने के लिए मिल जाएगा। मगर फ्रेंड्स अब हमें MIUI का 12.0.1.0 ही रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुआ है Android 11 पे बेस्ड। तो फ्रेंड्स ये अपडेट हमें MIUI के 12.5 पे बेस्ड अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। तो फ्रेंड्स अब हमें पोको M2 Pro के लिए MIUI का 12.5.1.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट अब हमें सितंबर से अक्टूबर के महीने में ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पोको M2 Pro से पहले हमें Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट मिलेगा और उसके बाद हमें पोको M2 Pro में MIUI 12.5 देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की गुड न्यूज़ पोको M2 Pro से रिलेटेड कि उनके लिए पोको M2 Pro में MIUI का 12.0.1.0 का Android 11 पे बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है और अब उन्हें MIUI 12.5 भी बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यही थी आज की गुड न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप मेरे वाइडी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा वाइडी चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।